हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के साथ बाह्यतमल उपचार में सूक्ष्मजीवों की भूमिका कैसी रहती है उसके बारे में चर्चा करूंगी। सूक्ष्मजीव किस तरीके से बाह्यतमल ट्रीटमेंट में अपनी भूमिका निभाते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। आइए देखते हैं, ये यूनिट 3 14 अंक की, आज मैं इसका आपको चौथा क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ या चौथा टॉपिक आप मान सकते हो। तो ये 14 अंक की यूनिट आपकी आती है जिसका मैं सेकंड लेसन आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। आगे देखिए, बाह्यतमल उपचार में सूक्ष्मजीवों की भूमिका, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। आप लोगों को जानकारी होगी, प्रतिदिन महानगरों, शहरों, कस्बों में जो अवशिष्ट मतलब बचा हुआ या वेस्ट जो वाटर होता है वो निकलता है और प्रवाहित होता है, और व्यर्थ जल बहुत सारी आवासीय कॉलोनी से मलमूत्र, कूड़ा करकट आदि, मृत पादप आदि निकलते हैं जिनमें जीवाणु पाए जाते हैं। तो ये अवशिष्ट जल जो प्रवाहित होकर जाते हैं, इसी को हम सीवेज के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं नोट्स कैसे बनाने हैं। प्रतिदिन महानगरों, शहरों तथा कस्बों में अवशिष्ट जल एक बड़ी मात्रा में प्रवाहित होता है। इस अवशिष्ट तथा व्यर्थ जल में, व्यर्थ मतलब बेकार, अपशिष्ट माने बचा हुआ, आवासीय कॉलोनियों से निकली गंदगी, मलमूत्र, अन्य कूड़ा करकट, मृत पादप तथा मल में पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं। मलमूत्र इस अपशिष्ट जल का प्रमुख घटक होता है। इस अपशिष्ट जल को बाह्यत जल, सीवेज कहा जाता है। तो ये परिभाषा आप लोगों को देखनी होगी कि जो आपका मलमूत्र या बाह्यत मल है वो होता क्या है। तो जो बचा हुआ जल होता है जो कॉलोनियों से, जो आवासीय कॉलोनियां हैं महानगरों, शहरों, कस्बों में, उनसे निकलता है, उसको हम बाह्यत जल या सीवेज के नाम से जानते हैं। इस बाह्यत मल का ट्रीटमेंट किस तरीके से करना चाहिए, डायरेक्ट उनको नदियों में, जलाशयों में नहीं छोड़ सकते हैं, अगर छोड़ते हैं तो प्रदूषण की समस्या का कारण बनते हैं। आइए देखते हैं, बाह्यत मलमूत्र का उपचार निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होता है। तो 3 चरणों में हम ट्रीटमेंट करते हैं सीवेज का। तो पहला जो उपचार होता है भौतिक या प्राथमिक उपचार, जिसको भौतिक को इंग्लिश में हम फिजिकल और प्राथमिक उपचार को हम प्राइमरी ट्रीटमेंट कहेंगे। सबसे पहले जो हम सीवेज को ट्रीटमेंट देंगे उसको हम भौतिक या प्राथमिक उपचार के नाम से जानते हैं। दूसरा जैविक या द्वितीयक उपचार, जिसको जैविक को हम बायोलॉजिकल और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं। प्राथमिक ट्रीटमेंट करने के बाद हम सीवेज को सेकंड ट्रीटमेंट देते हैं। तीसरा तृतीय उपचार, इसी को हम टर्शियरी ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं। तो 3 तरीके से हम सीवेज को ट्रीटमेंट देते हैं, ये आपको पढ़ना है। आप पहला ट्रीटमेंट क्या है, पहला ट्रीटमेंट फिजिकल और प्राइमरी ट्रीटमेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, इस चरण के अंतर्गत पहले हम जो आपका बाह्यत मल होता है उसके उपचार के शुद्धिकरण के लिए पानी में ऊपर तैरती गंदगी को हम विशेष छलनी जालियों से निस्यंदन द्वारा अलग कर लिया जाता है। निस्यंदन कहते हैं फिल्ट्रेशन को या छानने को। तो जो मोटी मोटी गंदगी होती है, तैरती रहती है, उसको हम बड़े बड़े छन्नों के माध्यम से फिल्ट्रेशन करके अलग कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन के बाद गंदगी को अवशादन की क्रिया द्वारा पृथक करते हैं। अवशादन कहते हैं सेडिमेंटेशन, मतलब निथारना इसको, ठीक है। निस्यंदन तथा अवशादन प्रक्रियाओं द्वारा बाह्यत मल से कूड़े करकट जैसे छोटे कंकड़, मिट्टी के कणों को अलग कर लिया जाता है। तो हम जो फिजिकल या प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसमें हम फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन दोनों प्रक्रियाओं से उसको गुजारते हैं, जिससे जो छोटे छोटे कंकड़, मिट्टी कण होगी वो अलग कर लिए जाते हैं। आगे अवशादन प्रक्रिया के पश्चात ठोस अवशिष्ट नीचे बढ़ जाते हैं। जब हम सेडिमेंटेशन का कार्य करते हैं या निथारने का काम करते हैं, तो जो सॉलिड वेस्ट होते हैं भारी भारी, वो नीचे क्या करेंगे, तली में बैठ जाएंगे। इन्हें हम प्राथमिक स्लज या प्राइमरी स्लज भी कहते हैं। इनको हम किसके नाम से जानेंगे, प्राइमरी स्लज के नाम से हम जानेंगे। इसको प्राथमिक सेप्टिक टैंक से जैविक या द्वितीयक उपचार के लिए दूसरे टैंक में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो प्राथमिक उपचार में हमने क्या किया, आइए फिर से सुनते हैं। प्राथमिक उपचार में हम फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन, मतलब छानने और निथारने की क्रिया करेंगे, जिससे कंकड़ और जो मोटी मोटी धातुएं होंगी वो नीचे बढ़ जाएंगी। इनको इन प्रोसेस से गुजारने के बाद इसको हम प्राथमिक सेप्टिक टैंक से, तो आपको याद रखना है, एक प्रश्न आता है कि प्राथमिक उपचार में किस टैंक का यूज किया जाता है। तो देखो मैंने अंडरलाइन दी, आपको निशान लगाना है सेप्टिक टैंक में।
सैल्टरी टैंक्स में इस सारी प्रक्रिया से गुजारने के बाद उसे जैविक या द्वितीयक उपचार के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे टैंक में प्रवाहित कर देते हैं। उसी को हम बायोलॉजिकल और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल और सेकेंडरी ट्रीटमेंट, प्राथमिक स्लज जो प्राथमिक हमें पहली बार में निथारने से और सेडिमेंटेशन करने के बाद जो चीजें प्राप्त हुई उनको हम क्या कहेंगे, प्राथमिक स्लज को कृत्रिम विधियों द्वारा ऑक्सीजन के प्रवेश के लिए विशाल वायवीय टैंकों या डाइजेस्टर टैंक। तो देखो बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होगी सेकेंडरी ट्रीटमेंट वो किस टैंक में करेंगे, हम डाइजेस्टर टैंक में। देखो मैं अंडरलाइन किया हुआ है, इससे प्रश्न आ सकता है कि जो आपका जैविक उपचार है उसको किस टैंक में किया जाता है, तो आपको डाइजेस्टर टैंक या वायवीय टैंक पे निशान लगाना है। और प्राथमिक उपचार किस टैंक में किया जाता है, वो सेप्टिक टैंक में किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। गुजारा जाता है किसी यंत्र की सहायता से, इसमें वायु को मिलाया जाता है, इससे ऑक्सीजन की उपस्थिति में सूक्ष्मजीव उच्च वृद्धि दर्शाते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन प्रवाहित करेंगे तो सूक्ष्मजीवों की संख्या होगी वो बढ़ जाएगी। ये सूक्ष्मजीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ये टैंक में गाढ़े पदार्थ के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, इसे हम स्लज कहते हैं। अकार्बनिक पदार्थों का बहिरिस्ताओं में उपस्थित शैवालों द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। अपान जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं उनको ये जो सूक्ष्मजीव होंगे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, उनको हम क्या कहेंगे, अकार्बनिक पदार्थ। तो अकार्बनिक पदार्थ जो होंगे उनका जो उनको खत्म करना होगा वो कौन करे, वो जो एल्गी आपके होंगे। बहिरिस्राव का मतलब होता है जो ऊपर तैरते हुए रहते हैं, उन प्लांटों को हम बहिरिस्राव कहते हैं, जिसमें आपका एल्गी आएगा। एल्गी द्वारा इन अकार्बनिक पदार्थों का उपभोग कर लिया जाता है या यूज कर लिया जाता है। बीओडी का स्तर कम होने पर इसको पुनः सेप्टिक टैंक में भेज दिया जाता है। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आप जब अगली 5वीं यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो पॉल्यूशन कलेक्शन पढ़ना है उसमें आपको बीओडी और सीओडी पढ़नी पड़ेगी। तो बीओडी किसको कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा हम मापते हैं तो उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से जानते हैं। बीओडी का स्तर कम होने लगता है तो इसको पुनः सेप्टिक टैंक में भेज दिया जाता है। तो हम फिर से उसी प्रोसेस को दोहराते हैं, सेप्टिक टैंक में इसको फिर से भेज देते हैं। अब एक्टिविटी स्लज की अल्पमात्रा को वापस वायवीय टैंक में भेज दिया जाता है। सेटेलाइट टैंक में गुजारने के बाद हम फिर क्या करते हैं, इसको वायवीय टैंक में द्वितीय उपचार जहां किया था उसी में फिर से भेज देते हैं। यहां अवायवी रूप से वृद्धि करने वाले जीवाणुओं द्वारा एक्टिविटी स्लज का अपघटन किया जाता है। जो बची हुई आपकी स्लज रहती है उसका अपघटन भी इसी अवायवी टैंक वायवीय टैंक में होता है और अवायवी जीवाणु के द्वारा। इस अपघटन से मीथेन CH4, इसी का दूसरा नाम है मार्स गैस, H2 हाइड्रोजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2 गैसें हाइड्रोजन सल्फाइड गैसें निकलती हैं। इनको संयुक्त रूप से हम जैव गैस या बायोगैस के नाम से जानते हैं। तो बायोगैस भी आपको पढ़नी है अगले क्वेश्चन में, बायोगैस के नाम से हम जानते हैं। तो अवायवी और वायवी दोनों प्रकार के जीवाणु जो स्लज होता है उसको खत्म करने का कार्य करते हैं। आइए देखते हैं टर्शियरी ट्रीटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, अलग से इस क्वेश्चन इस पे पूछा गया था। टर्शियरी ट्रीटमेंट या तृतीयक उपचार, द्वितीयक उपचार के पश्चात प्राप्त जल को निकालकर पुनः छाना जाता है तथा एक अन्य टैंक में संग्रहित करके इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। द्वितीयक उपचार के बाद जो हमें जल प्राप्त होता है उसको अन्य टैंक में हम निकाल लेते हैं और इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं जिससे इसका शुद्धिकरण होता है। जब तक इसकी सांद्रता 1 से 2 PPM पार्ट्स पर मिलियन ना हो जाए, इस जल को प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदी नहर आदि में भी विसर्जित किया जा सकता है। जब इसमें हम क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देते हैं तो जल शुद्ध हो जाता है और उसको नदियों जलाशय तालाबों में हम छोड़ सकते हैं। बाह्य मल की गंदगी का शैवालों द्वारा शुद्धिकरण एक विशेष प्रकार के खुले तालाबों में भी किया जाता है। इन तालाबों को ऑक्सीकरण ताल अथवा निरीक्षण ताल कहते हैं। कई बार प्रश्न आया है ऑक्सीकरण ताल का चित्र बनाइए या निरीक्षण ताल का चित्र बनाकर बताइए या तृतीयक उपचार में निरीक्षण ताल का चित्र बनाते हुए उस रूपरेखा को प्रदर्शित कीजिए। तो आप किस तरीके से आपका तृतीयक ट्रीटमेंट में ताल होता है उसका देखो मैंने चित्र बनाया है, आप लोगों को चित्र तैयार करना है। ये आपका टर्शियरी ट्रीटमेंट में ये आपका ऑक्सीकरण ताल का चित्र, बाह्य मल शुद्धिकरण ताल मैंने लिखा हुआ है या इसी को आप ऑक्सीकरण ताल भी लिख सकते हैं। ये जो आपका टैंक है या ऑक्सीकरण ताल है इसमें इस वाले हिस्से से हम तरल अवशिष्ट को अंदर प्रविष्ट कराते हैं और यहाँ पे ये जो आपका घूमने वाला ये भुजा लगी हुई ये चारों ओर राउंड करती हुई घूमती है भुजा, जैसे लिखा है घूमती स्प्रे भुजा। तो इससे क्या होता है, क्लोरीन का छिड़काव होता है। क्लोरीन जब पानी में मिल जाता है तो जल थोड़ा सा शुद्ध हो जाता है और जल का शुद्धिकरण होने के बाद देखो इस वाले पथ से ये यहाँ से बहिरिस्राव द्वारा ही बाहर जल निकल जाता है और इस जल को प्राप्त करके हम नदियों जलाशयों और उद्यानों में कई जगह इसको हम छोड़ सकते हैं। तो ऑक्सीकरण ताल का आप लोग चित्र बनाएंगे।
टर्शियरी ट्रीटमेंट में, या आपका बाह्यमल के उपचार में भी अगर क्वेश्चन आता है, तो अगर आप चित्र डालते हैं तो उससे अच्छी स्कोरिंग करने में हेल्प मिलती है। तो चित्र कोई कठिन नहीं है। इस साइड से हम तरल अपशिष्ट जो आपका वेस्ट मटेरियल है उसको हम यहाँ से इंजेक्ट कराएंगे अंदर, और यहाँ पे ये स्प्रे भुजा है घूमती हुई रहेगी और क्लोरीन गैस इस जल में मिल जाएगी। जब इस जल में क्लोरीन गैस मिलेगी तो जो भी गंदगियाँ अशुद्धियाँ होंगी वो नष्ट हो जाएंगी, और इस पस से हम बाहर जल को निकालेंगे और नदियों तालाबों जलाशय में इसको हम छोड़ देंगे। बाह्यमल शुद्धिकरण का ये ताल है, ऐसी को हम ऑक्सीकरण ताल के नाम से भी जानते हैं। दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ऑक्सीकरण ताल। आज मैंने आप लोगों को चौथा टॉपिक कंप्लीट किया है, खाद्य उत्पादनों में सूजियों को भूमिका। अब इसमें दो प्रश्न आपके और रह गए, लेसन खत्म होने वाला है। मैंने एजेट जैसा पूरा लेसन था पूरा पढ़ाने का प्रयास किया है। लेसन खत्म होने के बाद कितने आपके शॉर्ट प्रश्न इससे आते हैं, कितने वेरी शॉर्ट मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं, मैं सारा कुछ कराने का प्रयास करूंगी। आई होप जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है या कोई भी आप इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।